हेलो फ्रेंड्स, दिस इज क्लैरिसा फ्रॉम क्लैरिसास क्रिएशन। आज आपके साथ हम हमारी ईस्ट इंडियन स्टाइल रेसिपी लेके आए हैं वेज आइटम की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने घोसाला रखा है। अब इसे आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो इसे ये यूजुअली बरसात में बहुत इजीली अच्छे से मिलती है। तो ये साफ किस तरह से करेंगे, पहले बात तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपको लगेगा काटे काटे है, लेकिन ये उसकी डिज़ाइन है। तो ये हमें निकालना है, तो आप या तो छुरी से सिर्फ इसे स्क्रेप कर लो या तो फिर एक स्क्रेपर की मदद से आप उसे निकाल लो। तो आपको एक दिखा देती हूँ। तो इस तरह से स्क्रेपर की मदद से बड़े हल्के से, पूरा पूरा नहीं निकालना है, सिर्फ खाली नाम के लिए ये जो इसकी लाइन है शिराले वो निकालने हैं। इसको हम मराठी में, ईस्ट इंडियन में शीर घोषाला बोलते हैं। तो अब मैंने इसे सब को स्क्रेप कर लिया है। अब मेरी मम्मी जो बोलती है वो मैं कर रही हूं। तो यहां पर इसे इस स्टेज पे हम वॉश कर लेंगे, उसके बाद इसे कटिंग करने के बाद हमें वॉश नहीं करना है, नहीं तो ये पानी सोख कर लेता है। ये मेरी मम्मी का स्टाइल है। अगर आप इसे कट करके वॉश करना चाहो तो आप बिंदास कर सकते हो, लेकिन इसे एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, ये सब्जी कड़वी भी आती है। तो आपको जैसे सपोज एग्जांपल आप ये एक ले लोगे, उसे थोड़ा सा फ्रंट पार्ट कट करोगे, ऊपर का थोड़ा सा उसे चखोगे कि ये कड़वी तो नहीं है, अगर कड़वी है तो इसे पूरा का पूरा फेंक देना है। दूसरी आप कट करोगे उसे भी टेस्ट करना है, नहीं तो आपकी सब्जी दिखेगी बहुत अच्छी, बनेगी बहुत अच्छी, लेकिन रिजल्ट होगा कड़वा। तो आपको टेस्ट करके ही बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते। तो इस तरह से थोड़ा सा कट कर लेंगे। एक्चुअली ये सब्जी और कड़क रहती है, लेकिन मेरे फ्रिज में रखा था, लेकिन फ्रिज का टेम्परेचर भी बरसात के मौसम में सब्जियों को एकदम बर्फीला कर देता है, तो थोड़ी सी कहीं कहीं पे बर्फ जैसी हो गई है। तो अब इसको काट लिया मैंने, इसको मैं टेस्ट करूंगी। तो बिल्कुल भी कड़वी नहीं है, इस तरह से टेस्ट करने के बाद मैं फेंक दूंगी इसे। तो मैंने सारी टेस्ट कर ली एक एक जरा जरा से कट करके। अब इसे हम कट कर लेंगे, तो बीच में से फार करेंगे। इसमें ना रेशे होते हैं इस तरह से, अगर आप कटोगे तो आपको दिखेगा ये इस तरह से पतले पतले बाल होते हैं, वो निकालना है तो आप खींच खींच के निकाल सकते हो। तो अब आप चाहो तो इस तरह से भी रख सकते हो या इसके बीच में दो फार करना। वैसे मैं अभी इसे इस तरह से ही रख रही हूँ क्योंकि ज़्यादा ये मोटी नहीं है। इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन रख दिया है जिसमें 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल डाल दिया है। यहाँ पर हमने 2 बड़ी प्याज कट कर लिया है, आप देख सकते हो एकदम पतली पतली स्लाइस है इसकी। यहाँ पर मैंने 7 हरी मिर्ची ली है और ये हमारी सारी सब्जी कट कर रेडी है। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, उसमें हम डालेंगे थोड़ी सी मस्टर्ड सीड्स, राई 1/2 टीस्पून जितनी, और इसने अच्छे से फूटने लग जाएगी, तड़कने लग जाएगी, तब इसमें प्याज और मिर्ची ऐड करेंगे। तो अभी अच्छे से फूट रही है, इस स्टेज पे हम पहले हरी मिर्ची ऐड करेंगे, प्याज ऐड करेंगे और इसे फास्ट की फ्लेम पे हमें 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। तो आप देख सकते हैं मैंने फास्ट फ्लेम पे ही इसे सॉटे कर लिया है, मुझे इसे कच्चा ही रखना है, ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो क्या होगा ये गल जाएगा एकदम और अच्छा नहीं लगेगा। इस स्टेज पे हम इसमें 1/4 टीस्पून जितनी हल्दी डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें ज़्यादा कोई मसाले नहीं रहते, इसलिए आप मिर्ची की क्वांटिटी कैसे रखना है आपके ऊपर है। आपको तीखा करना है तीखा रखिए, फीका रखना है तो कम डालिए। इसे अच्छे से भून लेंगे और अब इसमें हम ये सब्जी ऐड करेंगे। तो सब्जी सारी ऐड कर देंगे और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। आप चाहो तो इसमें आलू ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो इसमें चना दाल ऐड कर सकते हो, बट हम नहीं पसंद करते क्योंकि ये ईस्ट इंडियन स्टाइल बन रही है। इसमें डालेंगे हम नारियल, तो नारियल को हम ग्रेट करेंगे। कब डालना है, जब ये सब्जी अच्छे से पक जाए
तब ये अभी इसका पानी छोड़ेगी बहुत सारा, तो इसे ढककर हम इसे पकाएंगे। तो 20 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं इसका बहुत सारा पानी रिलीज भी हो गया है, कलर चेंज हो गया है, एंड मेन इसे हम चेक कर लेंगे कि पकी है या नहीं। अब हाथों से तो नहीं देखना है, ये गिलकी जो गलका होता है स्पॉन्ज गार्ड, उसके कंपेयर में ये थोड़ा सा हार्ड होता है। तो आप सोचोगे ये नरम नहीं हो रहा है, तो इसका जो अंदर का पार्ट है ना वो इजीली नरम हो जाएगा, लेकिन ये जो बाहर का है वो थोड़ा सा आपको लगेगा कड़क। तो आप देख सकते हो इजीली कट गया है, तो ये रेडी है। अब इसमें हम कद्दूकस किया हुआ नारियल डालेंगे, ये फ्रेश कोकोनट है आधी कटोरी, एक पूरा नारियल लेना है, उसमें से बीच वाला तोड़ के एक पार्ट उसे स्क्रेप करना है और डालना है। इसका ब्राउन पार्ट हमें नहीं डालना है, सिर्फ सफ़ेद पार्ट डालना है। अब डिपेंड करता है आपको कितना नारियल पसंद है, तो मैंने हाफ कटोरी ली है, तो हम अच्छे से डालेंगे पहले और इतना बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए, तो इसे वाटर सूख जाने तक पका लेंगे। ओपन ही रखना है हमें, ये देखिए इस तरह से ये सब्जी बनती है, बहुत ही अमेजिंग लगती है। रोटी के साथ इसे रिलिश करिएगा, तो आप देख सकते हैं इसका पानी ऑलमोस्ट सूखने आ गया है। अब इस स्टेज पे आप चाहो तो गैस की फ्लेम बंद कर सकते हो और आप इसे खाने बैठ सकते हो या सर्व कर सकते हो, लेकिन मैं इसका जो पूरा पानी अच्छे से सुखा दूंगी तो ही ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। एक तरफ से ये फ्राई हो जाएगी, थोड़ा सा जो तेल निकलेगा इसका, तो एक दो मिनट और रुकेंगे एंड देन इसे मैं सर्व कर लूँगी। तो एक बाउल में मैंने सर्व कर लिया है, इसे हम थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे कोकोनट से एंड ये हमारी डिश बनकर रेडी है। आप एंजॉय करिए, रिलिश करिए, बहुत ही टेम्पटिंग लगती है खाने में। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।